नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो एशिया कप 2022 में इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है, जहां पर इंडियन टीम ने एशिया कप 2022 के अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करी है। पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, वहीं पर अपने दूसरे मुकाबले में हांगकांग को 40 रन के बड़े अंतर से हराकर जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। और इंडिया की इस जीत के बाद दो टीमें कन्फर्म हो चुकी हैं जिन्होंने एशिया कप 2022 के सुपर 4 स्टेज में ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा दो ऐसी टीमें भी हैं जो अभी भी सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई कर सकती हैं। इसके अलावा दो टीमें ऐसी हैं जो कि सुपर 4 स्टेज से लगभग बाहर होने की कगार पर हैं। तो ऐसे में दोस्तों, कौन सी वो दो टीमें हैं जिन्होंने सुपर 4 स्टेज में ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है, कौन सी दो टीमें अभी भी सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई कर सकती हैं, पूरा क्वालिफिकेशन सिनेरियो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके अलावा लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल कैसा नजर आ रहा है एशिया कप 2022 का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एशिया कप 2022 का फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एशिया कप 2022 में टोटल 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में आपको नजर आ रही है इंडिया, पाकिस्तान और हांगकांग। ग्रुप बी में आपको नजर आ रही है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो दोस्तों, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ग्रुप से जो टॉप की दो टीमें होंगी वो आगे सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई करेंगी। इसके अलावा जो दोनों ग्रुप्स में तीसरी टीम रहेंगी वो यहीं से एलिमिनेट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सुपर 4 स्टेज में जो 4 टीमें पहुंचेंगी वहां पर हर एक टीम बाकी की 3 टीमों के साथ एक मुकाबला खेलेगी। और सुपर 4 स्टेज के जितने भी मैचेस हैं खत्म हो जाने के बाद जो टीमें पॉइंट्स टेबल पे टॉप 2 पर होंगी वो आपको एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2022 के पॉइंट्स टेबल की। तो अगर हम सबसे पहले ग्रुप ए की बात कर लें कि ग्रुप ए से कौन सी वो टीम है जिसने सुपर 4 स्टेज में ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है, इसके अलावा कौन सी वो टीम है जो कि सुपर 4 स्टेज से लगभग बाहर हो चुकी है। तो अगर हम नजर डाल लें तो ग्रुप ए में आपको नंबर 1 पर नजर आ रही है इंडिया की टीम, जिसने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मुकाबले अपने जीते हैं, 4 पॉइंट्स के साथ ये नंबर 1 पर मौजूद है, जबकि इनका नेट रन रेट भी +1.096 है और इंडियन टीम ने सुपर 4 स्टेज में ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पर दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान की टीम, जिसने 1 मुकाबला खेला है और उसमें हार का सामना करना पड़ा था। इनका नेट रन रेट जो है वो -0.175 है, पॉइंट्स 0 है। तीसरे नंबर पर हांगकांग की टीम है, इन्होंने भी 1 मुकाबला खेला है, उसमें हार का सामना करना पड़ा था, 0 पॉइंट्स के साथ इनका नेट रन रेट भी -2.000 है। तो दोस्तों, इस ग्रुप से इंडियन टीम ने एशिया कप 2022 के सुपर 4 स्टेज में ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। अब इस ग्रुप से दूसरी टीम जो सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई करेगी वो पाकिस्तान या फिर हांगकांग में से कोई एक टीम होगी। पाकिस्तान और हांगकांग का 2 सितंबर को मुकाबला होने वाला है और वो नॉकआउट मुकाबला होगा। जो टीम वो मुकाबला जीतेगी सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई करेगी और जो टीम वो मुकाबला हारेगी वो सुपर 4 स्टेज से बाहर हो जाएगी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी की कि ग्रुप बी से कौन सी वो टीम है जिसने एशिया कप 2022 के सुपर 4 स्टेज में ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। तो दोस्तों, ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर मौजूद है अफगानिस्तान की टीम, जिन्होंने अभी तक 2 मैचेस खेले और दोनों मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करी है। 4 पॉइंट्स हैं इनके पास और इनका नेट रन रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, +2.467। और अफगानिस्तान की टीम ग्रुप बी से सुपर 4 स्टेज में ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। नंबर 2 पर मौजूद है बांग्लादेश की टीम, जिन्होंने 1 मुकाबला खेला है और उसमें हार का सामना करना पड़ा था, 0 पॉइंट्स हैं इनके पास, जबकि नेट रन रेट -0.731 है। नंबर 3 पर मौजूद है श्रीलंका की टीम, इन्होंने भी 1 मुकाबला खेला है और उसमें हार का सामना करना पड़ा था, इनके पास भी 0 पॉइंट्स हैं और जो नेट रन रेट है वो -5.176 का है। तो दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका इन दोनों टीमों का मुकाबला आज यानी कि 1 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है और जो टीम भी ये मुकाबला जीतेगी वो अफगानिस्तान के साथ ग्रुप बी से सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि जो टीम ये मुकाबला हारेगी वो यहीं से ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से ग्रुप ए से इंडिया और ग्रुप बी से अफगानिस्तान की टीम ने सुपर 4 स्टेज में ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पर ग्रुप बी में जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होने वाला है, जो टीम वो मुकाबला जीतेगी वो अफगानिस्तान के साथ ग्रुप बी से सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई कर जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ग्रुप ए में जो हांगकांग और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है, जो टीम वो मुकाबला जीतेगी वो इंडिया के साथ ग्रुप ए से सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई कर जाएगी। तो दोस्तों, एशिया कप 2022 का जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो कुछ इस प्रकार का ही नजर आ रहा है।
फ्रेंड्स, ये रहा एशिया कप 2022 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल और क्वालिफिकेशन सिनेरियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि इंडिया और अफगानिस्तान के अलावा कौन सी वो दो टीमें और होंगी जो कि सुपर फोर स्टेज में क्वालिफाई करेंगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।